डैडी, ये है विजय। नमस्ते, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त जमुना दास जी। इनका एक लोता बेटा लंदन में पढ़ रहा है। बैठो बेटे, बैठो, खड़े क्यों? बेटी तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? हमें कुछ बातें करने दो, तुम जाओ अपने मेहमानों की देखभाल। जब से रेखा ने तुम्हारे बारे में कहा है, तुमसे मिलने के लिए मैं बेचैन हो गया। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके बुलाने से पहले ही मुझे आ जाना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि काम की ज्यादती की वजह से मैं हाजिर ना हो सका। मैंने तुम्हारे बारे में पता चला लिया है, तुम एक ईमानदार होनहार नौजवान हो। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर खुशी। जी समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। लेकिन इससे पहले कि मैं हाँ कहूं, मुझे कुछ सवाल तुमसे पूछने। सवाल पूछिए, आओ मेरे साथ। ये रेखा का कमरा है जी। जब से उसने होश संभाला है इसी कमरे में रहती है। इसका मतलब है कि ये कोठी आपके बुजुर्गों की निशानी है। हम रईस, खानदानी रईस हैं। सर देखो वो किस शान से रहती है। ये रहे उसके कपड़े, एक एक जोड़ा हजारों का है। और ये के मेकअप और सिंगार का सामान है। आओ मेरे साथ। यह है उसके जूते और सैंडल्स। बाबा क्या थाट है, वो भी क्यों ना? आखिर वो एक करोड़पति बाप की बेटी है जो शहजादी की तरह पैदा हुई और आज तक पली भी उसी तरह से, और ये मेरी ख्वाहिश है कि वो मरे भी उसी तरह से। नहीं नहीं, ऐसी इच्छा ना कीजिए। क्यों सेठ जी, महाराजों और नवाबों का डब्बा गुल हो चुका है। टाइटल्स और प्रीवी पर्स गवर्नमेंट ने छीन लिए हैं। अभी उसी दिन एक होटल में मैंने किसी राजकुमारी को कथक डांस करते हुए देखा, और उसका भाई पीछे बैठे बेचारा वायलिन बजा रहा था। भगवान ना करे अपनी रेखा कभी राजकुमारी बने। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन खास कभी नहीं खाएगा। करोड़पति की बेटी हमेशा करोड़पति रहेगी। आजकल इनकम टैक्स की पॉलिसी है किसी अकेले को करोड़पति बने रहना बहुत मुश्किल है, और फिर हमें गवर्नमेंट का साथ भी तो देना चाहिए। मेरी बात मानिए सेठ जी, आप अपना सब कुछ नेशनल फंड को दे दीजिए, रेखा और मेरे लिए मेरी तनख्वाह काफी। तुम्हारी तनख्वाह कितना पाते हो? 700 रुपए। 700 रुपए महीने का गोश्त तो हमारे कुत्ते खा जाते हैं। सेठ जी आप मुझ पर अमीरी का रोक क्यों जमा रहे हैं? मैं आपके पास कर्ज मांगने नहीं आया, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया। मेरी बेटी को पाने के लिए पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। ये दौलत ईशान शौकत पैदा करो। सेठ साहब, जिनके दरवाजों पर कल हाथी झूमते थे आज वीरान हो गए हैं। राजाओं और नवाबों के महल अब होटल बन चुके हैं। हो सकता है कि आपकी एक कोठी भी किसी दिन अस्तबल बन जाए। तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। आपने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है। जमाना बदल रहा है सेठ जी, अब अमीर अमीर नहीं रहेंगे, गरीब गरीब नहीं रहेंगे। आपको जमाने के साथ चलना होगा, और जो वक्त के साथ नहीं चलेंगे वो मिट जाएंगे। तुम यहां से जा सकते हो, मेरी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ नहीं होगा। सेठ जी मैं तो दुनिया की रस्म और आपकी इज्जत के लिए आपके पास आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था। कह दिया ना, मुझे मंजूर नहीं। आपको मंजूर है या नहीं इससे हम दोनों को फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करेंगे। बाय।